जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम वैराग्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखेंगे। वीडियो पूरा देखकर कमेंट्स में अनुमोदना अवश्य लिखना। मुंबई के थाने में आज से 30 वर्ष पहले पिता श्री मनीष जी जवेरी एवं माता श्री सुनीता जी जवेरी के घर एक भाग्यशाली बालक का जन्म होता है। बालक का नाम ऋषि रखा गया। जब ऋषि 2.5 वर्ष के थे, तब उनका परिवार अमेरिका में शिफ्ट हो गया। अमेरिका में रहकर ऋषि भाई एक अच्छा जीवन जी रहे थे। वह पढ़ाई में बुद्धिमान छात्र थे। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में ऋषि भाई ब्लैक बेल्ट रहे। म्यूजिक, बांसुरी सहित वह सभी इवेंट्स में भाग लेते थे। मित्रों, युवावस्था में ही ऋषि भाई सफल हो गए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में उन्हें 1.2 करोड़ का पैकेज मिल गया। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, किंतु भाग्य की दिशाएं कुछ और ही थी। परिवार में धर्म संस्कार प्रारंभ से ही थे। धीरे धीरे ऋषि भाई जैन धर्म को गहराई से समझने लगे। एक बार ऋषि भाई भारत आए और यहाँ पर वह पूज्य युवा हृदय सम्राट आचार्य भगवंत श्री हेम रत्न सूरीश्वर जी महाराजा के शिष्य पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग रत्न विजय जी महाराज साहब से मिले। पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के बाद ऋषि भाई को धीरे धीरे संसार से वैराग्य होने लगा। उन्होंने अपने माता पिता से दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। पूज्य गुरुदेव ने भी मुमुक्षु श्री ऋषि भाई को दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त प्रदान कर दिया। 2025 में मुमुक्षु श्री ऋषि भाई जवेरी दीक्षा ग्रहण करेंगे। धन्य है मुमुक्षु जो युवावस्था में ही मोक्ष मार्ग एवं आत्म कल्याण के पथ पर चलने जा रहे हैं। समस्त सुख सुविधाओं को त्याग कर संयम ग्रहण करने वाले मुमुक्षु श्री ऋषि भाई की अनुमोदना। दीक्षार्थी की जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद। Pranam, as I embark on my journey to Diksha, I would like to invite you all to a very special occasion happening very soon. My Guruji, Panyas Prabhar, Sri Virag Ratna Vijayaji Maharasai, will be handing me my Diksha Murat, the date that my Diksha will be held. I would love for you all to attend in live, whether that be in person or virtually. We have a unique set of events lined up for the 2 days, Saturday, October 12th and Sunday, October 13th. So please attend and help me make these moments something that I will cherish for the rest of my life.